हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं क्रोमोसोम चैप्टर। हम बात करते हैं क्रोमोसोम चैप्टर में, जो भी हमारी नई सीरीज चल रही थी, ये वो क्वेश्चन है जो पीजीटी टीजीटी वो चाहे यूपी एमपी झारखंड राजस्थान डीएसएसबी केवीएस एनवीएस जिसका भी पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्रोमोसोम चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। चूँकि अभी हम आपको जो उपलब्ध करा रहे हैं वो चैप्टर वाइज सॉल्व सोल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसलिए आप चैप्टर वाइज पढ़िएगा, इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन क्वेश्चन पूछेंगे। और अभी दो दिनों तक आपको वीडियो नहीं मिल पाए भाई, भारी बारिश के कारण और आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण आपको प्रॉपर वीडियो नहीं मिल पाए, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं आपसे। तो आज शुरू करते हैं, ये सेकेंड पार्ट है क्रोमोसोम चैप्टर का और ये वो क्वेश्चन है जो केवीएस एनवीएस और पीजीटी टीजीटी में पूछे गए और ये चैप्टर वाइज सॉल्व सोल्यूशन आपका चल रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, तो बताइएगा आप फटाफट। तो ये होता है इसका जो होता है XXY उसे बोलते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता क्या है, देखिए ये आंसर भी आपको मेंशन किए, मगर आंसर जब आप हमारा वीडियो देखें तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने वाला रोग नहीं है, बल्कि गर्भाधान के बाद अचानक हुई आनुवंशिक गड़बड़ी की वजह से होता है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाले पुरुषों में कम टेस्टोस्टेरोन और कम मांसपेशियां तथा चेहरे के बाल और शरीर के बाल हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में ज़्यादातर पुरुषों में या तो शुक्राणु कम बनते हैं या बिल्कुल नहीं बनते हैं। और इसका इलाज क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन देना और प्रजनन उपचार संबंधित जो क्रियाएं हैं वो करना या प्रजनन संबंधी उपचार करना, तो ये इसका उपाय है। तो ये होता कैसा है, XXY जैसा कि ये दिख रहा है, XXY जो होता है ये क्लीन फिल्टर सिंड्रोम को जन्म देता है। तो दो एक्स हो जाते हैं, एक वाई होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेसेस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज टर्म, वह क्रिया जिसमें हम जीन्स का निर्धारण करते हैं सीक्वेंस का, उसको क्या बोलते हैं, तो आप बताइएगा, तो उसको बोलते हैं क्या, क्रोमोसोमल मैपिंग। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल मैपिंग के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम इज द टर्म, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग। और जनरली लोग क्या लगा के आते हैं, वो लगा कर आते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग, जबकि सही आंसर है क्रोमोसोमल मैपिंग। लैम्ब्रोस क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, तो लैम्ब्रोस जो क्रोमो, देखिए लैम्ब्रोस और पॉलीटिन दो प्रकार के जियांट क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो लैम्ब्रोस क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ, तो किसके रिजल्ट के कारण बनता है, तो हम आपको बता दें ये बनता है किससे, मियोसिस लास्टिंग सेवरल डेज, तो ऑप्शन सही होगा मियोसिस लास्टिंग सेवरल डेज, तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड ज्वाइंटेड टुगेदर बाय ए डुप्लीकेटेड बड अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड, क्रोमेटिड ज्वाइंट टुगेदर बाय ए डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड, तो इस प्रकार के जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वी सेप्ड क्रोमोसोमार, तो देखिए उसमें क्या होता है, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक, तो मेटासेंट्रिक कैसे होगा, वी सेप्ड होता है, और मेटासेंट्रिक कैसा होता है, ये ऐसा होता है ना, ऐसा ये सेंट्रोमियर होता है और एक ये इसकी एक आम दूसरी होती है, तो ये कैसा होगा, वी के आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम अब्सेंट होता है, केवल एक्स जीरो होता है, तो उसे टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। चलो इसको देख भी लेते हैं क्या है, आंसर क्या दिया हुआ है, तो आंसर सिंपल सी बात है बी होगा, जब 46 होते हैं एक अब्सेंट होगा, तो यहाँ देखिए क्रोमोसोम पूछा हुआ है, और वैसे जो जनरली आंसर होता है वो क्या होता है,
सॉरी इसका होता क्या है, तो एक्स जीरो होता है, एक एक्स होता है, एक एक्स नहीं होता है। पॉलीटिन क्रोमोसोम फर्स्ट ऑब्जर्व इन, तो पॉलीटिन क्रोमोसोम किसमें पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, तो आप बताएंगे हाउस फ्लाई में, नेक्स्ट देख लेते हैं, या मधुमक्खी में, या ड्रोसोफिला में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, तो चलो हम पॉलीटिन, तो इसका पूरा फैक्ट जान लीजिए। पॉलीटिन क्रोमोसोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन स्लेवरी ग्लैंड ऑफ क्रोनमस मिडगस नॉन बाइटिंग इंसेक्ट लार्वा बाय बाल्बियानी 1881। तो इससे मिडगस जो कारोनोमस का जो मिडगस था उसके लार्वा में खोजा गया था 1881 में। इट वॉज लेटर ऑब्जर्व इन द स्लेवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर बाय द एमिल हेड्स एंड हैज बॉबर्ट इन द 1930s विच हेल्प द स्टडी ऑफ हेरिडिटी नेचर ऑफ दीज स्ट्रक्चर। तो यहाँ चूंकि जो पहली सबसे पहली ऑब्जर्व किया गया था, तो चूंकि इसने ऑब्जर्व किया था इस तरह का कोई आंसर नहीं है, तो इसलिए ये उसमें कोई आंसर नहीं है, तो इसलिए डी सही है। और एक तरह से अगर कभी कभी क्या होता है, यहाँ कन्फ्यूजिंग है, ड्रोसोफिला में सेकेंड टाइम जो ऑब्जर्व किया गया था वो ड्रोसोफिला में किया गया था, तो अगर सेकेंड टाइम का आंसर दिया जाए तो ड्रोसोफिला इसका मतलब उसका सही है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए, तो आप पूरा जब चीज देखेंगे तो ये आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तरीके से, तो अगर सेकेंड स्टेज में बोलें तो ड्रोसोफिला बिल्कुल सही आंसर है सी, और एक तरह से अगर ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम का देखें तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मोर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि जो आपकी बोर्ड कॉपी चेक कर रही है वो क्या आंसर मान के चल रहा है, जिस बंदे ने पेपर सेटिंग किया है उसने क्या सोच के सेट किया है, तो ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं। क्रोमैटिन कंटेंस, क्रोमैटिन में उपस्थित होते हैं तो क्या होता है, डीएनए आरएनए हिस्टोन, क्या होती है, डीएनए आरएनए और हिस्टोन, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन, तो क्रोमोसोम्स में क्या पाया जाता है, डीएनए आरएनए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, तो डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, और क्रोमैटिन में क्या पाया जाता है, डीएनए आरएनए और हिस्टोन, तो ये ऑप्शन इसका डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, इनमें से लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है, तो वो लैम्ब्रुस क्रोमोसोम है। देखिए पॉलीटिन से भी बड़ा क्रोमोसोम लैम्ब्रुस होता है, तो सबसे बड़े की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम, तो ध्यान रखिएगा। एक और आपको फैक्ट की बात बता दें, कभी कभी अगर ह्यूमन का क्रोमोसोम में पूछता है सबसे बड़ा क्रोमोसोम ह्यूमन का कौन सा होता है, तो फर्स्ट क्रोमोसोम जो ह्यूमंस का होता है वो सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा होता है, क्रोमोसोम फर्स्ट इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स, तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल्स इज फाउंड इन, सेंट्रियोल किस में पाया जाता है, तो हम आपको बता दें कि जो सेंट्रियोल पाया जाता है वो एनिमल सेल्स में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में अनुपस्थित होता है। द नेम ऑफ पॉलीटिन क्रोमोसोम वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय, तो किसने सजेस्ट किया था पॉलीटिन क्रोमोसोम्स नाम, तो देखिए डिस्कवर्ड का जो अक्सर बोला जाता है तो बाल्बियानी का नाम आ जाता है, और जो नाम दिया था पॉलीटिन क्रोमोसोम वो कोहलर ने दिया था, किसने दिया था, कोहलर ने, तो द नेम पॉलीटिन क्रोमोसोम फर्स्ट सजेस्टेड बाय, पॉलीटिन क्रोमोसोम नाम का सुझाव दिया गया किसके द्वारा, तो कोहलर द्वारा। तो आप देख लीजिएगा यहाँ दे रहे पॉलीटिन क्रोमोसोम आर लार्ज क्रोमोसोम विच हैव द थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स द सेम ईयर पीसी कोहलर हेस्टेंटली इंट्रोड्यूस द नेम पॉलीटिन टू डिस्क्राइब द जायंट क्रोमोसोम, तो किसने नाम दिया था, तो वो दिया था पीसी कोहलर ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बाल्बियानी लगा कर आते, अगर आप नहीं ध्यान देते इसको तो अक्सर बाल्बियानी यहाँ भी दिया, बाल्बियानी इज द 1881 द फर्स्ट फॉर्म पॉलीटिन क्रोमोसोम लार्वा स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द क्रोनमस मिडगस बट द हेरिडिटी नेचर ऑफ द कन्फर्म बाय द एमिल हेड्स एंड हैंस बॉवर इन द
1930 ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर बिकॉज दियर लार्ज साइज एंड न्यूमेरस स्टैंड कोलर सजेस्ट द नेम एज द पॉलीटिन क्रोमोसोम। तो हमें लगता है पॉलीटिन क्रोमोसोम के बारे में आप कुछ काफ़ी कुछ पता चल गया होगा और इस तरह के क्वेश्चन आप गलत करके एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट दिखाते हैं, देखिए हम आपको ऑनलाइन भी चीज़ें दिखा रहे हैं तुरंत के तुरंत, जहां भी आपको कन्फ्यूजन हो कि नहीं हो सकता सर गलत बता रहे हो, तो आप कहीं परेशान ना हो, हम तुरंत उसको ऑनलाइन, अब चूंकि किताब में अगर हम दिखाएंगे तो पहले किताब में ढूंढें फिर स्कैन करें फिर आपको वीडियो में दिखाएं, तो थोड़ी देर तो मैं तुरंत उसको ऑनलाइन आपको समस्या का सोल्यूशन दे देता हूँ जिससे आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। नेक्स्ट क्रोमो तो नाम किसने दिया था, पॉलीटिन क्रोमोसोम नाम कोहलर ने दिया था, खोजा बाल्बियानी ने था, किसमें खोजा था तो वो किसमें खोजा था क्रोनमस मिडगस में खोजा था और हेरिटी नेचर का जो पता लगाया था कंफर्म किया था वो एमिल हेड्स और हैंस बाउर ने किया था 1930 में, उसने किया था ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर पे। तो आपसे पूछ दे कि अगर इसके हेरिडिटरी नेचर को किसने बताया था तो किसने कंफर्म किया था, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो एमिल हिड्स ने बताया था। यहाँ देखिए कई क्वेश्चन बन रहा है, अगर इस पॉइंट पे जाएंगे एमिल हिड्स और हैंस बाउर की बात करेगा तो इन्होंने हेरिडिटी नेचर बताया था, तो अगर हेरिटी नेचर पूछता है पॉलीटिन क्रोमोसोम का तो ये है, किसने बताया था तो ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर ने बताया था, खोजा किसने था तो बाल्बियानी ने फर्स्ट टाइम पॉलीथीन को बताया था लार्वल ये इस ऑर्गेनिज्म में। चलिए नेक्स्ट नाम कोलर तो आंसर इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एबनॉर्मेलिटी इन द मैन हु आर ऑलवेज स्टराइल ड्यू टू द इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज बिकॉज आप एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज, तो पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन ना होने के कारण वे सदैव बांझ होते हैं क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी 46 के कितने होते हैं 47 एक एक्स एक्स्ट्रा आगे कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। चलिए इन मार्फोन और इन डिजीज के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं जिससे आप कभी कन्फ्यूज ना हो। तो हंटिंगटन डिजीज़ क्या होती है, तो हंटिंगटन डिजीज़ की बात करते हैं, इसको एचडी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द हंटिंगटन कोरिया इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स। इसमें जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं, ये ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं वो मरने लगती हैं या मर जाती हैं, तो इससे क्या होता है जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है आपस में, जैसे हाथ को आपने जब कहा तब उठा लिया या आप जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, तो आपके अंगों के बीच में तो हंटिंगटन जो है हंटिंगटन जो डिजीज है इज ए फीटल जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज द प्रोग्रेसिव ब्रेक डाउन द नर्व सेल इन द ब्रेन, इट इज डिटेरियोरेट्स ए पर्सन्स फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज यूजुअली ड्यूरिंग द ईयर प्राइम वर्किंग ईयर एंड हैज नो क्योर। अब हम इसका थोड़ा सा हिंदी भी देख लें, हिंदी में आते हैं हंटिंगटन जो रोग होता है उसमें क्या होता है मस्तिष्क का बेसल गैंग्लिया क्षेत्र प्रभावित होता है। पूछ सकता है कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क का बेसल गैंग्लिया जो क्षेत्र होता है वो प्रभावित होता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने वाली समस्या है जिसमें समय के साथ दिमाग की तंत्रिका कोशिकाएँ टूट जाती हैं या नष्ट होती हैं, ध्यान रखिएगा। और यह समस्या आमतौर पर व्यक्ति में 30 से 40 साल की उम्र के आसपास शुरू होती है, आमतौर पर जो हंटिंगटन रोग के कारण चलने फिरने संबंधी सोचने संबंधी मानसिक रोगों के लक्षण पैदा हो जाते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसका कोई इलाज तो नहीं है मगर दवाओं व्यायाम के जरिए या बातचीत के जरिए लक्षणों में कुछ सुधार किया जा सकता है, तो आप समझ लीजिए कुछ लक्षणों में सुधार किया जाता है, प्योर क्योर नहीं किया जा सकता है। और हम आपको बता दें कि क्रोमोसोम जो चार होता है मनुष्य का जो क्रोमोसोम चार होता है, वन ऑफ द 23 ह्यूमन क्रोमोसोम दैट कैरी द पर्सन इंटर द जेनेटिक कोड, तो क्रोमोसोम चार जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो ये इस प्रकार का रोग हमें दिखाई देता है।
तो कौन सा क्रोमोसोम डिस्टर्ब होता है? तो हम आपको डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ए सिंगल डिफेक्टिव जीन ऑन क्रोमोसोम 4, जो देखिए सबसे बड़ा क्रोमोसोम मनुष्य में होता है, तो वो होता है चौथा, सॉरी सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम्स होता है वो पहला होता है, और चौथे क्रोमोसोम के कुछ जीन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसके कारण जो हंटिंगटन डिजीज़ है वो रोग हो जाता है, और इसमें जो ब्रेन की सेल्स हैं मरने लगती हैं। मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन आप नहीं भूलेंगे, हमने पूरी डिटेल दी। दूसरा इसका रोग देख लेते हैं। देखिएगा मार्फन डिजीज़ क्या होती है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मार्फन संलक्षण क्या होते हैं, मार्फन सिंड्रोम एम एफ एस बोलते हैं, इज़ ए जीनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे संयोजी ऊतक होते हैं उनमें डिसऑर्डर हो जाता है। द डिग्री टू विच प्यूपिल आर एफेक्टेड वेरीज, प्यूपिल विद द मार्फन टेंड टू बी टाल एंड थिन विथ लॉन्ग आर्म्स। देखिएगा ये हाथ आप देख रहे हैं या ये कंडीशन देख रहे हैं, तो ये मार्फन सिंड्रोम के लक्षण है, हाथ बहुत लंबा और पतला हो जाता है। विथ लॉन्ग आर्म्स लेग्स फिंगर्स एंड टॉयज, दे आल्सो टिपिकली है फ्लेक्सीबल ज्वाइंट्स एंड स्कोलियोसिस। तो अभी इसकी हिंदी भी आपको बता देते हैं। एक अनुवांशिक की बीमारी है जो जोड़ने वाले ऊतकों को यानी कनेक्टिव टिश्यू को प्रभावित करती है। मार्फन सिंड्रोम हृदय आँख रक्त वाहिकाओं और हड्डियों को प्रभावित करता है। मार्फन सिंड्रोम से ग्रस्त लोग लंबे और दुबले होते हैं, उनके हाथ पैर की अंगुलियां और पैरों की अंगुलियां लंबी होती हैं। उपचार में रक्तचाप कम करने के लिए दवाएँ, चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस और शल्य चिकित्सा शामिल है। तो आप समझ गए होंगे कि ये रोग क्या होता है, मार्फन संलक्षण। तो ये जो चूंकि ऑप्शन दिए थे, और मान लेते हैं कभी ये ऑप्शन दे भी दे और आपसे इनके बारे में पूछ भी दे, तो पता लगा सारे क्वेश्चन हम लोग गलत करके आते हैं या हम लोगों ने किताबों में इनको जनरली नहीं पढ़ते हैं। तो मार्फन डिजीज समझ में आ गई होगी। हैं क्लीन फिल्टर जानते हैं, टर्नर सिंड्रोम जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिक्कत होगी। फिर क्वेश्चन पूछा, जब एक क्रोमोसोम दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप रखे जाते हैं, तो जब एक क्रोमोसोम में दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप रखे जाते हैं तो क्या होगा, उनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर देखा जा सकता है, क्रॉसिंग ओवर का प्रतिशत बहुत उच्च होता है, केवल दो क्रॉस होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होता है, मुश्किल से क्रॉसिंग ओवर होता है, जब बहुत नज़दीक होंगे तो क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, एडवर्ड सिंड्रोम इज एन एबनॉर्मलिटी लीडिंग द मेंटल डिफिशियंसी कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, तो किस क्रोमोसोम नंबर के ट्राइसोमी के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा, 18 ट्राइसोमी हो जाती है तो इसके कारण ये होता है। चलो एडवर्ड सिंड्रोम भी देख लेते हैं। आप देखिए एडवर्ड सिंड्रोम आल्सो नोन एज द ट्राइसोमी 18, 18वीं जो क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है तो उसे एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, इज ए जीनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए थर्ड कॉपी ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 18, मैनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर इफेक्टेड, बेबीज और ऑफ्टन बॉर्न स्मॉल एंड हैव हार्ट डिफेक्ट्स। तो ये हो सकता है, और ये 18वां है, देखिए सब में दो दो के जोड़े बने हैं, यहाँ तीन क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, इसीलिए ट्राइसोमी बोलते हैं, 2n+1 बोलते हैं ट्राइसोमी को। तो ये आपका ये वाला पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाता है 18वां, तो उसे एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें होता क्या है, बच्चे के जन्म के पहले 3 महीने में किए जाने वाले खून के परीक्षण और अल्ट्रासाउंड इस बीमारी की शुरुआती जानकारी मिल जाती है। दूसरी तिमाही में किए जाने वाले क्वैड इस स्क्रीन नाम के खून के परीक्षण से भी इसका पता लगाया जा सकता है। लक्षणों में जन्म के समय कम वजन, असामान्य रूप से छोटे आकार का सिर और अंगों में जन्मजात दोष शामिल है जो अक्सर जानलेवा होता है। एडवर्ड सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है, आमतौर पर जन्म से पहले या जीवन के पहले वर्ष में घातक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मानव में पाई जाने वाली अपसामानता जिसे टर्नर संलक्षण कहते हैं, प्रभावित व्यक्ति समलक्षणी रूप से पैदा होता है परंतु उनके जननांग और स्तन अल्पवर्धित होते हैं का कारण होता है। तो इसका कारण हमें टर्नर सिंड्रोम का देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 31। और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप कमेंट्स तो करते ही रहिएगा, अपने सुझाव देते रहिएगा, आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे तो उसका बेनिफिट आपको, तो आप कमेंट्स करना ना भूलें बिल्कुल। और लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ एक शेयर तो आपका बनता ही है, तो शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।